हेलो फ्रेंड्स, केएस कंप्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम फिगर और कैप्शन एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। द फिगर टैग स्पेसिफाइज सेल्फ कंटेन्ड कंटेंट लाइक इलस्ट्रेशंस, डायग्राम्स, फोटोज, कोड लिस्टिंग एटसेट्रा। फिगर टैग के अंदर डायग्राम, इलस्ट्रेशंस, फोटोज या कोड लिस्टिंग इत्यादि को रखा जाता है। व्हाइल द कंटेंट ऑफ द फिगर एलिमेंट इज रिलेटेड टू द मेन फ्लो, इट्स पोजिशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मेन फ्लो एंड इफ रिमूव्ड इट शुड नॉट अफेक्ट द फ्लो ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये एलिमेंट डॉक्यूमेंट के कंटेंट के मेन फ्लो पर कोई भी असर नहीं डालते हैं, लेकिन ये कंटेंट को महत्वपूर्ण बनाने के लिए उपयोगी जरूर होते हैं। जब भी हम अपने कंटेंट से इन एलिमेंट्स को हटा देते हैं या किसी दूसरे वेब पेज पर हम इन एलिमेंट्स को शिफ्ट कर दें, तब भी हमारे कंटेंट के मेन फ्लो पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। द फिग कैप्शन एलिमेंट इज यूज्ड टू ऐड ए कैप्शन फॉर द फिगर एलिमेंट। फिगर एलिमेंट के अंदर फिग कैप्शन एलिमेंट को यूज किया जाता है। फिग कैप्शन एलिमेंट में हम उस इमेज का टाइटल लिखते हैं जिसे हमने फिगर टैग के अंदर रखा है। उस टाइटल को लिखने का फायदा ये होता है कि जब भी सर्च इंजन उस टाइटल से कोई भी सर्च करता है तो उस इमेज को आसानी से सर्च कर लेता है और उसे रेंडर करवा देता है। आइए अब हम इसे प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने HTML डॉक्यूमेंट खोला हुआ है और इसका रिजल्ट हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे अब हम फिगर टैग को यूज करते हैं, फिगर, और इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं इस तरह से। और अब हम यहाँ पे इसके अंदर img टैग को यूज करेंगे, img src, और इसमें लिखते हैं flower1.jpg। और अब हम इसको क्लोज करके इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए इमेज यहाँ पे इंसर्ट यहाँ पे हो गई है। अब हम इसमें फिग कैप्शन एलिमेंट को यूज करते हैं, फिग कैप्शन। कैप्शन को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे टाइटल लिख देते हैं। टाइटल हम देना चाहते हैं इसके अंदर figure1.flower। अब हम इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए इसका टाइटल नीचे आ गया है। आप CSS को यूज करके इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए एलिमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।